करो एक बार रिफ्रेश। ये है एमटी टेस्ट के लिए वाइन, मोंटुक्स टेस्ट, जिसमें ट्यूबरकुलिन पीपीडी 10 TU ये वाइल होती है, जिसको मोंटुक्स टेस्ट वाइल भी कहते हैं। इसका 0.1 ml, कितना 0.1 ml, जो कि अपन इंसुलिन सीरीज में लेके देते हैं। इंसुलिन सीरीज ये 40 पॉइंट की है, 40, इसका मतलब है कि ये 40 की हो या 100 की हो, होती 1 ml की है। अगर इसमें से 0.1 ml लेना है तो इसको 4 तक भरना है, जैसा आप देख रहे हैं। अगर 100 वाली है ग्लार्जिन वाली, तो उसको कितना भरेंगे, 10 तक, उसमें वो उसका 10वां हिस्सा यानी 0.1 ml हो जाएगा। उसके बाद इसके बेवल को अपवर्ड रखते हुए किसी भी हैंड के इस आस्पेक्ट पे, इसको फ्लेक्सर आस्पेक्ट कहते हैं, उस पर आस पास ये देखना कि वेन ना हो। उसके बाद इसको थोड़ा और नज़दीक करें, इसको इंट्राडर्मली देते हैं, स्किन को स्ट्रेच करते ऐसे, इसकी खास बात ये है कि थोड़ी लाइट करना मोबाइल की, जल्दी कर। ये देखें, ये छोटा सा बेवल है, आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ कर इसको आप, ये देखें बिल्कुल, और इसके पास चील और अपना फाइल वो वापस ले आएंगे, बिल्कुल इंट्राडर्मल जाएंगे। इसके लिए एंगल जो है 5-10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंगल, आप समझ रहे हैं, मतलब ये स्किन के लगभग पैरेलल में चलेगी तभी इंट्राडर्मल जाएगी। अगर पैरेलल में नहीं चलेगी तो कहाँ चली जाएगी, सब कुटेनस चली जाएगी। ये देख रहे हैं आप ऐसे। अब इसमें अगर ब्लेब बनेगा, ब्लेब यानी जो गुब्बारा बनेगा, तो ये पास है, अदरवाइज ये ओके नहीं है। ये जैसे ये गुब्बारा बना ना, इसको ब्लेब कहते हैं। इसके बाद इसको निकाल लेना है, उसके बाद मार्क करना है, यहाँ क्या लिखेंगे, एमटी डेट और टाइम, 8:45। इसको 72 आवर्स के बाद रीड किया जाता है, एक एरिया कितना रेड हुआ है, हार्ड हुआ है। अगर ये पानी से धुल जाता है तो दोबारा पेन से गोला कर लो, इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक का एसटी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और आसपास कोई घाव नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी प्रिकॉशन लेने वाली बात। थैंक यू।